अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? हम अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। आज का हम व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं कबूतर, बेचारे कबूतर, क्योंकि हम रेसिपी पूरी आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो कुकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जो जैसे ही वीडियो बनाए तो हमने कहा थोड़ी सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये कबूतर उन्होंने दिए ज़बह की है, साफ़ करके मसाले वगैरह लगा कुकर में भुना, मसाला बस रेडी हो गया। और ये आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है तितर की। बेचारे तितर बटेर, वो हम हमेशा मुर्गियों की शामत आई होती है, तो हमने कहा कि बाप आज इनकी हम डिश बना के आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। रेसिपी एक नई रेसिपी है जो हम जिस तरह बनाते हैं। ये हमने सारे जो है इंग्रीडियंट्स वो हमने रेडी करके रखे हैं। जो चना दाल है वो हम लोगों ने सुबह भिगो के रखी थी, और टमाटर हम लोगों ने काटे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल में डाले हैं प्याज, वो हमने थोड़ी सी गोल्डन हुई हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब उसके अंदर नमक, हल्दी, धनिया, रेड मिर्च और रेड दड़ा मिर्च जो है, रेड पाउडर मिर्च, वो हम लोगों ने इसके अंदर डाली हैं। और इसको हल्का सा भुनने के इसके अंदर हम लोग बिल्कुल नॉर्मली जो घर के डेली रूटीन के हम लोग के यूज़ होने वाले हैं मिसाले वो हम डाल रहे हैं। उसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा मिसाले नहीं डाल रहे, नॉर्मली मिसाले डाल रहे हैं। मिसाला जो है वो अच्छी तरह से भून लें, तो नीचे से जले नहीं तो हल्का सा पानी डाल लें ताकि मिसाला अच्छे सा सही रेड हो जाए और भून जाए। उसके बाद फिर हम तितर जो हैं वो हम इसके अंदर डालते हैं। तितरों के अंदर डाल के उसके बाद फिर हम जो चना दाल भिगो के रखी थी वो भी इसके अंदर डालते हैं। बस इसको हल्का सा दो तीन दफ़ा हिला के थोड़ा सा भून के फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, क्योंकि ये भी चिकन की तरह जल्दी गल जाते हैं, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते जैसे मुर्गी जल्दी चल जाती है। देसी जो है वो उस पर तो टाइम लगता है, लेकिन जो फार्मी है उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये भी उस फार्मी मुर्गी की तरह है, तो इसमें हम पानी डाल के ये हम 15-20 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे, तो 15 मिनट के बाद ही तकरीबन ये हो जाएंगे रेडी। और जी फिर हम साथ बना रहे हैं क्योंकि तितर थे ज़्यादा, तो हमने कहा पे एक और भी आपके साथ छोटी सी रेसिपी शेयर कर देते हैं। हम लोगों ने बेसन लिया है और चाट मसाला, और लिया है हम लोगों ने मैदा, और उसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक और रेड दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर और ये जी हमारी तितर पड़ी हुई हैं। और ये जो है हम मसाला जो है इसके अंदर हम डालते हैं। आप नींबू डालते हैं आपकी मर्ज़ी की, डिपेंड करता है आपको जितना खटास। इसमें अभी आप स्पाइसी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले, हम लोगों ने इतनी डाले हैं नींबू और चिली सॉस, सोया सॉस। ये नहीं है तो नमक मिर्ची जो है इसका भी टेस्ट अच्छा आता है, और थोड़ा सा सिरका डाल दें या नींबू डाल दें। बस ये जो है हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना रखना है ताकि इसके अंदर डिप हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा मसाला तो जब हम फ्राई करेंगे तो बेसन इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो ये हम इसको अंदर थोड़ी देर हम डिप करके रखते हैं ताकि इसको मसाला अच्छे से लग जाए, और उसके बाद हम करते हैं फ्राई। जी अब इसको अच्छे से बेसन लग गया है, अब हम फ्राई करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ही फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने होते हैं अच्छे से गल जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। और जी ये हमारे हो गए हैं तितर रेडी। आप भी रेसिपी बना के बताइएगा कैसे बने आपके। हमारे हो गए रेडी, देख सकते हैं आप बेचारे। आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना।